तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। सब्सक्राइब करोगे तो एक राज की बात बताऊंगा, और वो राज की बात ये है कि गेम का तो पता नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन तो आ ही सकता है। जी घंटा चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है टीएसजी के बारे में। तो इग्नाइट को लगता है टीएसजी को एक लीडर की जरूरत पड़ेगी। जी, इग्नाइट सबसे बड़े मुद्दे पे आते हैं और कई लोग इस बारे में बात करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि बीइंग वन ऑफ द कैप्टन ऑफ एस्टेब्लिश टीम, आपसे ही इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इग्नाइट, कई लोग कहते हैं टीम में निडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिखता भी है कई टीमें बिना निडर्स के फंसती है, लेकिन टीएसजी में कोई नेडर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही, चक्कर क्या है? पड़ेगी पड़ेगी, बड़े स्टेज पर पड़ेगी। मतलब आपका कहना है अभी चल रहा है काम, लेकिन एक पल पे जाके शायद इनको भी ये कमी। बिल्कुल क्योंकि मुझे पता है वर्ल्ड ऑफ बैटल में आपके टीम मैनेजमेंट भी में भी डिस्कशन चल रहा था, उसके बाद हमने देखा है कि साफ दिखता है, कभी जब भी जो भी कप्तान होते हैं, आप होते हो या हर्ष होते हैं, वो ग्रेनेडियर की भूमिका में दिखता ही है नॉर्मली, क्योंकि आपको बाय एनी मीन्स एंट्री फ्रैग नहीं करना होता, एंट्री फ्रैग के लिए वहां पे इनसेन जैसे प्लेयर्स हैं। टीएसजी के पास अभी कोई नेडर है नहीं, अभी तक तो कोई कमी नहीं पड़ी, लेकिन इग्नाइट का भी पॉइंट वैलिड है, शायद अभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक पल ऐसा जरूर आएगा जब ऑफिशियल में जाएंगे, या तो इन चार में से किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या तो एक एक्सक्लूसिव प्लेयर निकाल के लाना पड़ेगा जो नेड कर सकता हो। ले आएगा, लेजेंड तो ले आया, मैं अपने सही वाला लेजेंड ले आया, लेजेंड ले भी बड़ी बात नहीं। वो क्या पता इन चारों में से, मतलब लेजेंड तो वैसे करेगा भी ना, सिद्धार्थ का रोल बदलेगा, या आयुष या जो स्पोर्ट पर्सन है उसमें से रोल बदलेगा, या वासी भाई भी कर लेते हैं। मेरे वासी भाई, जब फिर वासी भाई खेलेंगे, याद है मुझे, वो तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है कि नहीं खेलेंगे, वासी भाई ही खेलेंगे तो वो खुद कर लेंगे वो रोल। अगली अपडेट है केडी की तरफ से। तो केडी ने बताया कि कॉस्मिक के ऑपरेशन ही बंद हो गए हैं। भाई स्क्वाड का नेम कॉस्मिक ही रखते ना ब्रो, कॉस्मिक ने मतलब छोड़ दिया, अब नहीं कर रही शायद, कॉस्मिक डिसबैंड हो जाएगी मतलब, और की शायद से करेगी तो शायद प्रोडक्शन हो सकता, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन वगैरह के लोग थे उन्होंने भी छोड़ दिया, और उन्होंने मतलब पूरा ही डिसबैंड ही हो गई। नेक्स्ट अपडेट है आरएनएक्स के बारे में। तो आरएनएक्स का फुल मैप के लिए लाइनअप रिवील हो गया है। इट विल बी अ न्यू लाइनअप फॉर द आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स, एंड लाइव पे गाइज इसका अनाउंसमेंट करते हुए काफी मैं प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज इस टीम के पास फायर पावर, और इन्होंने वक्त दर वक्त दिखाया भी है ये चीज करके। तो गाइज द न्यू लाइनअप फॉर द आर एन एक्स ई स्पोर्ट्स, जो इस बार के FFC फ्री फायर कॉम्बैट में रिप्रेजेंट करेंगे आर एन एक्स को, उन प्लेयर्स के नाम कुछ इस प्रकार है जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइज। जी हाँ गाइज, फीचरिंग स्नीको, शॉन, शुबो, शीबा एंड रिफ्लेक्स विल बी द न्यू लाइनअप फॉर द आर एन एक्स ई स्पोर्ट्स। जी हाँ गाइज, आर एन एक्स ई स्पोर्ट्स की नई रोस्टर होगी ये। RNX Esports के पांच नए सितारे जो कल मैदान में उतरेंगे, और देखते हैं ये अंडर गॉड्स किस तरीके से परफॉर्मेंस दे पाते हैं। परिपक्व टीम है राउंड भाई, अच्छी टीम चुनी है आपने, वासियो भाई के अंडर खेल चुके हैं, अनुभव है इनके पास, मुझे याद है क्रिस और बाकी के प्लेयर्स जैसे आयुष वगैरह ये लोग सब साथ खेले हैं, टैलेंटेड टीम है। आई थिंक ये लाइनअप RNX में बहुत उधम मचाने वाली है, द टैलेंटेड टीम ऑफ द RNX Esports। अगली अपडेट है गेम के बारे में। तो कल किस किस का गेम नहीं खुल रहा था, इसी पे फौजी अजय ने ये रिप्लाई दिया है। आज दोपहर में गेम ओपन क्यों नहीं हो रहा था? अरे सबर करो यार, सबर करो, सबर का फल बहुत ज्यादा मीठा होगा, ठीक है? एकदम से तुम गेम खोलोगे तुम्हें गेम ही नहीं दिखेगा, इतना सबर करो तुम। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि सारा डाटा योटा के सेंटर पे ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये एरर आ रहे हैं। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है इस बात में। अब भरते अगले सेक्शन पे, जिसका नाम है टॉप प्ले ऑफ द डे। आज का पहला टॉप प्ले सिडाक का, जिन्होंने 1v3 किया है। आरएचके को देख लिया है सिडाक ने, कितने नॉक निकाल पाएंगे सिडाक, क्या लगता है इग्नाइट? दो तो निकालने चाहिए यहाँ पे। ओ भाई देखिए, दो बोला था, दो दो तो निकाल ही दिया भाई, क्या ही प्रेडिक्शन थी वो, ये अटक गया गेम ग्लिच। और भैया तीन
धोनी तीन मार दिए, क्या क्वाड्रा निकाल देगा? सीधा क्या क्वाड्रा निकाल देगा यहाँ पे? इज इट पॉसिबल क्वाड्रा किल विद अ स्नाइपर? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलो हम मिलेंगे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।